अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू की टॉपिक स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट जो है वो ऐसे समझ लें कि ये अपोजिट है किसके, स्क्वायर के। ये क्या है, स्क्वायर के अपोजिट है। अगर सपोज करें 81 है जो कि 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर क्या है, 81। तो अगर 81 का स्क्वायर रूट होगा तो वो क्या होगा, वो 9 होगा। ये जो रेडिकल साइन है, ये साइन जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। जो इसमें नंबर होता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो हम एन लिख लेते हैं। इसमें जो नंबर होता है कुछ भी, उसको हम एन लिखते हैं, उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकेंड। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ लें कि स्क्वायर रूट जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, स्क्वायर का। अगर 81 9 का स्क्वायर रूट है, 81 अगर 9 का स्क्वायर है तो 81 का जो है अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 9 होगा। तो किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट में लिखने के लिए, कोई भी नंबर हो, अगर सपोज करें 144 है तो स्क्वायर रूट उसका ऐसे लिखेंगे। अगर 9 है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट ऐसे लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया। अगर हम 121 का स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऐसे लिखेंगे जो कि 11 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। तो स्क्वायर रूट जो है किसी भी नंबर की लेने के लिए हम उसके ऊपर क्या, रेडिकल साइन दे देते हैं, तो उसका वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, इसका रूट का पता चल गया हमें, अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। सपोज करें कि q अगर q का हमें स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करेंगे, q का स्क्वायर रूट लेना है अगर हमें, तो हम करेंगे q स्क्वायर रूट। क्या करना है, अगर q का हमें स्क्वायर रूट लेना है तो q के ऊपर रेडिकल साइन दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, q का स्क्वायर रूट होगा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, स्क्वायर का अपोजिट होता है। अगर x का स्क्वायर लेंगे तो क्या जवाब आएगा, q आएगा। अब एक बात और, अगर ये जो साइन है ना किसी भी नंबर पे, सपोज करें q पे, इस पास अगर इस साइड x है, सपोज करें इस साइड x है, तो इस साइन का मकसद है कि ये साइन 1/2 के बराबर होती है, पावर में 1/2। अगर किसी, सपोज करें ये q है, q के ऊपर ये साइन है, तो q का पावर 1/2 कर देंगे। ये साइन जो है वो क्या, पावर में 1/2 के बराबर होती है। तो अगर x से, तो अब क्या करेंगे, वह यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, सेम थिंग है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, q स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल q। अब हम ये तो जनरल है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 81 उसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब क्या आएगा, 9। क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो क्या है, अपोजिट है। अब 81 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो 9 आ गया। अब अगर 9 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा। ये वही चीज़ आ गई जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो है जनरल है स्टूडेंट, ये था जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका है। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्क्वायर रूट को हम ऐड कैसे करते हैं। अगर स्क्वायर रूट है, सपोज करें
स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस फाइव स्क्वायर रूट थ्री। तो हम इसको एड कैसे करते हैं स्टूडेंट, जो स्क्वायर रूट में हम एडिशन करते हैं ना, वो हम सेम स्क्वायर रूट की करते हैं। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट टू है, तो हम इसको ऐड करेंगे स्क्वायर रूट टू से, तो ये क्या हो गया तीन, इसके इंडेक्स कुछ नहीं है तो वन होगी, तीन और वन चार, अंडर रूट टू स्क्वायर रूट टू प्लस, यहाँ पे वन है यहाँ पे फाइव है तो ये सिक्स, अंडर रूट थ्री हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ऐड करते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे।